हेलो हेलो डियर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये सुबह के लगभग 9 बज रहे हैं और ये गए हैं नंबर लगाने। आज इनका ऑफ है, बाबू स्कूल में है। और ये देखिए किस तरह से मैसी हो गया है पूरा। कई दिन से मैं सोच रही हूँ उसको समेटूंगी इसको समेटूंगी, लेकिन क्या करूँ, आज जो सोचती हूँ उसको 4 दिन बाद करती हूँ। यही स्थिति है क्योंकि हालत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब। 4-5 दिन से लगातार मैं परेशान हूँ। पहले 1 दिन होता था तबीयत खराब, 2-3 दिन ठीक रहती थी फिर होता था, लेकिन अभी तो एकदम लगातार ऐसा हो रहा है कि ठीक ही नहीं हो पा रही हूँ मैं। समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। तो यहाँ पर जब ये चले गए अस्पताल तो ये बोले खाना वगैरह अभी तुम मत बनाना, सुबह काम पूरा निपटा कर गई हैं तो वो बेड वगैरह भी पूरा ठीक कर देती हैं। लेकिन ये बेड शीट बहुत दिनों से लगा हुआ था और मुझे ज़रा सा आराम मिलता है तो मैं बैठना नहीं चाहती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है तो मैंने सोचा आज बेड शीट वगैरह और सोफ़ा कवर पिलो कवर सब चेंज कर दूँ जब तक वो नंबर लगा के आएंगे। और सच पूछिए तो वो नंबर लगाने जब नंबर तो सुबह ही लगा दिए थे जब वो बाबू को छोड़ने गए थे, और जब वहाँ से आए तो बोले चलो रेडी हो जाओ। तो फिर मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया क्योंकि मेरे अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। दर्द थोड़ा पेट में पैर में बहुत ज़्यादा था। स्थिति आप देख ही रहे हैं कैसी है। इस स्थिति में अब लगता नहीं है कि अब मतलब मैं पहले एक तरह रेगुलर हो पाऊँगी। तो मैंने कहा आपको सिर्फ रिपोर्ट ही दिखाना है ब्लड टेस्ट का, तो आप दिखा दीजिए और जो बोलेंगे देख लीजिएगा। वो 15 दिन बाद बुलाई थी तो आप ही रिपोर्ट दिखा दीजिए और बोलिएगा कि मतलब मैं खड़ी ही नहीं रह पाती हूँ, थकान बहुत महसूस होता है। और कैल्शियम और आयरन तो लगातार खा रही हूँ लेकिन प्रोटीन पाउडर मैं 2-3 दिन 4 दिन में खा रही हूँ, पी रही हूँ दूध में देखिए, क्योंकि गर्मी में दूध भी नहीं पिया जाता है। तो ये सब मैंने इनको समझा दिया, सब लिख के दे दिया, बस आप सिर्फ दिखा दीजिए रिपोर्ट और आप ही आ जाइए। तो ये चले गए मेरा रिपोर्ट दिखाने के लिए। तब तक मैंने सोचा ये सारे काम को मैं निपटा लेती हूँ। मैंने किचन में भी सोचा था कुछ खाना पीना बना दूँ, लेकिन ये जो मैं 9 बजे से लगी हूँ ये करते करते मुझे 11 बज गए थे। आप समझ सकते हैं, करती थी थोड़ा बैठती हूँ, करती हूँ थोड़ा बैठती हूँ, कभी पानी पीती हूँ कभी ग्लूकोज पीती हूँ कैसे। और गर्मी के कारण में मुझे लग रहा है थोड़ा परेशानी बढ़ गई है। तो वहाँ पर मैंने मशीन में कुछ कपड़े धुलने को डाल दिए हैं, कुछ नाइटी वगैरह जमा था, और तब तक जब तक वहाँ पे होता तब तक मैंने इधर ये काम कर दिया। और यही इसी नाइटी की बात करी थी, इतना आरामदायक ये नाइटी, इतनी अच्छी नाइटी है कि पूछिए मत। तो अभी नहा कर मैं यही पहनने वाली हूँ और इसमें बाजू लगा हुआ है, लेकिन चूँकि मैं सिलाई का भी काम नहीं करूँगी और दूसरी बात है क्या कि गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं बाजू लगाऊंगी भी नहीं। और यहाँ पर देखेंगे जो सुबह अचार बना के गई थी तो धूप काफ़ी तेज़ है, तो यहाँ धूप में मैं इसको डाल दी हूँ अचार को, इसको मिला दूंगी। मैं तो सोच रही थी ये मीठा वाला बनेगा लेकिन नहीं, ये तो नमकीन बनाई है। और अभी 2-3 दिन 4 दिन धूप लगाने बोली हैं तो संयोग से बहुत अच्छी धूप निकली है। तो अचार को मिलाकर मैंने साइड कर दिया और जो कपड़े अभी मैंने धोए हैं, बहुत सारा मैंने कपड़ा धो लिया, बाबू का था, मेरा था, इनका था, उसके बाद सोफ़ा कवर हो गया, बेड शीट हो गया। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी और जब ये सूख जाएंगे, सूख तो ये 5 मिनट में ही जाएंगे क्योंकि ड्रायर में भी मैंने सुखाया है, तब फिर धीरे धीरे करके मैं डालती रहूँगी, एक लगातार उतना नहीं कर पाऊँगी। और यहाँ पर सारे कपड़े को सुखा कर फिर आप लोगों से नहा कर मिलती हूँ, नहा कर उसी नाइटी को पहनना है। तो चलिए मिलते हैं अब आप लोगों से नहा कर। हेलो डियर, कैसे हैं आप सब? अब जिस तरह की मैंने बोला मैं नहा कर कुछ नाश्ता करूँगी आराम करूँगी, इनको मैंने अस्पताल भेजा था लेकिन डॉक्टर ने बोला कि नहीं उनको दिखाना ज़रूरी है क्योंकि दर्द है। रिपोर्ट वगैरह के बारे में क्या कहा ये तो नहीं पता मुझे। तो फिर मैंने नहा कर यही सूट पहन लिया है, अभी तक वो आए नहीं हैं तो मैं कुछ नाश्ता कर लेती हूँ, देखती हूँ क्या कुछ है। अभी तो खाना चढ़ा भी नहीं है, लगभग 11 बजने को चलें तो अब तो अस्पताल जाऊँगी। बाबू भी 11:30 बजे आने वाला है, 11:30 बजे आने वाला है, देखती हूँ कैसे उसको रिसीव करना है कैसे क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे। तो अब मैं यहाँ पर किचन आ गई हूँ और ये देखेंगे रात की बची हुई सब्जी थी, रात में भी इन्होंने ही खाना बनाया था, रात की बची हुई रोटी। सबसे पहले मैंने खिड़की बंद कर दिया और लाइट ऑन कर दिया और सब जो सामान वगैरह टोकरी वगैरह ऊपर में था सबको मैंने नीचे रख दिया और गैस का जो स्टैंड उसको लगा दूँगी क्योंकि अभी जो साफ करके गई हैं फिर किचन में कुछ काम हुआ नहीं है, तो सबको मैं लगा दूंगी। 1-2-4 बर्तन जो बचा हुआ है और उसके बाद यही रात की रोटी रात की सब्जी मैं, क्योंकि ये वहाँ से वो फ़ोन किए कि नहीं डॉक्टर बोल रहे हैं उनको दिखाना पड़ेगा तो इसीलिए तुम तैयार हो जाओ। तो फिर मैंने कपड़ा तो सारा धुल ही लिया था, उसके बाद जल्दी जल्दी मैंने स्नान किया और मैं रेडी हो गई, उसके बाद नाश्ता लेकर
करने में सोच रही थी, क्योंकि इतना देर में भूखी नहीं रह पाऊँगी। सुबह तो बस वही तरबूज खाया था, फिर तरबूज वगैरह भी खाने का मन नहीं करता है, तो 2-3 रोटियाँ बची थी, तो रात की रोटी और सब्जी आज यही खा रही हूँ। और वही 11 के आसपास हो गया है, 11 या 10:45 कह लीजिए आप, तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ता करते करते मैं टीवी मैंने ऑन कर दिया, मुझे लगा शायद इनको आने में समय लगेगा। और ये आ गए तब तक तो ये बोले चलो रेडी हो गया, अब पूरा असमंजस में। और ये देखिए जो तेल है, मैंने कोहलू का तेल मंगाया है, इसीलिए इस बॉटल में कुछ भी नहीं लिखा है। कोहलू का तेल 220 रुपया लीटर दिया मुझे, बहुत अब मैं डरने लगी हूँ ये सब बाहर का चीज़ खाने में, चाहे आटा हो चाहे तेल हो कुछ भी हो। चीनी भी अधिक खाना नहीं चाहती, चीनी के बदले गुड़। तो अब मेरा मन ये बोले मैंने गलती कर दी, मैं गया था उधर तो उसको लेते आया था, लेकिन वो बाबू गाड़ी पर बैठ चुका था, वो बोले अभी तो 11:30 बज ही जाएंगे। तो फिर मैंने कहा मन भी नहीं लगेगा, वहाँ अस्पताल में बताया कितना समय लगेगा, किसी को कुछ पता नहीं है, तो इसीलिए बाबू को रिसीव करके ही जाएंगे। तब तक इनको भूख लगी थी, तो इनके लिए मैंने चूड़ा फ्राई किया, चूड़ा बादाम और प्याज पापड़। अभी भी जो मैं कर रही हूँ, आप लोगों को तो यकीन हो ही जाएगा, ज़बरदस्ती कर रही हूँ, लेकिन उनके सामने मैं इतना फील नहीं होने देती हूँ। मैं परेशान हूँ कि हमेशा वही करेंगे, एक दिन का ऑफ है, नाश्ता भी बनाए, बच्चे को भी देखे, खाना भी बनाए, तो बहुत ही बुरा लगता है। मम्मी को देखती हूँ कब तक मम्मी आ पाती है, क्योंकि आम टूटने वाला है, मेरे पिताजी बोले आम लेकर ही जाएंगे, अब देखते हैं। तो यहाँ पर ये आ गए हैं, तो मैं इनको नाश्ता दे देती हूँ और फैन को ऑन कर दिया। नाश्ता करते करते करने के बाद ही बाबू आ गया था, तो फिर बाबू को यही उसके लिए जो मैंने रखा था वो और एप्पल और ये बनाना और ये मैंने बनाया है मैंगो जूस, इतना टेस्टी ये शरबत बना था, अभी तो मैं नहीं शेयर करूँगी लेकिन बहुत ही टेस्टी बना था। चलिए देखते हैं बाबू का रिएक्शन ये शरबत पी के क्या बोलता है, कैसे बोलता है। हम लोगों ने तो काफ़ी इंजॉय किया, उसको देखते हैं क्या बोलता है। हाँ पी लीजिए, पूरा ग्लास उठाइए। हाँ कहता जम्मू, तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं, थकान बहुत ज्यादा महसूस होती है लेकिन नींद आती है कभी कभी नहीं। मैं मोबाइल साइलेंट करके लेटती हूँ ताकि अगर नींद भी आ जाए तो मोबाइल से डिस्टर्ब ना हो। और नींद दिन में भी डॉक्टर ने नींद लेने को कहा है, लेकिन मैं दिन में शुरू से सोने की आदत नहीं है, लेकिन मैं अपने शरीर को रखती हूँ कि अगर मुझे नींद आ जाए। और ये गर्मी में बहुत गर्मी लगता है, ये काला धागा में जो चाबी पहनना होता है बहुत गर्मी लगती है, और बाकी तो अभी कुछ भी पहनने का मन नहीं करता है। तो शाम के 5 बजे हैं, 3 बजे आज हम लोगों ने खाना खाया, अस्पताल गई, अस्पताल लगभग बाबू को सब कुछ दे करके आप लोगों ने जैसे देखा कि 11:30-12 बजे के आसपास अस्पताल गए। और वहाँ नंबर तो नहीं लगाना था क्योंकि ये चूँकि लगा हुआ के आए थे, सब कुछ दिखा के आए थे, लेकिन फिर भी जब वहाँ गई तो 1 घंटा का समय लग गया। अंदर गई तो चूँकि मेरा बीपी और वेट नहीं हुआ था, तो वहाँ गई, वहाँ पर बीपी वेट हुआ, फिर यहाँ आए तो यहाँ पर चेक किया गया। चेक करने के दौरान ही मतलब आला लगा के भी चेक किया जाता है कि यह धड़कन या मूवमेंट फेटल मूवमेंट या धड़कन सब सही है। तो चूँकि मैंने 16 अप्रैल को ही अल्ट्रासाउंड कराया था, तो उसमें जैसे कि मैं आप लोगों को बताती थी, मैं थक जाती हूँ, अधिक देर तक खड़ी नहीं रह पाती हूँ, अचानक से जैसे कोई काम कर रही हूँ, करते करते ये ऐसा लगता है कि दीवार पकड़ लेती हूँ या किवाड़ पकड़ लेती हूँ, लगता है कोई मुझे हाथ पकड़ के बेड तक पहुँचाए। और जब तक मैं ग्लूकोज पानी नहीं पीती हूँ मैं ठीक नहीं होती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये वीकनेस है। लेकिन जब वो चेक कर रही थी मुझे, तो बोली आपका ये दम फूल रहा है, यानी कि आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है, आप सांस प्रॉपर नहीं ले पा रही हैं। फिर उन्होंने मुझे 3 नंबर में भेजा, तो फिर 2 नंबर में बीपी और वेट चेक हुआ, फिर 12 नंबर में डॉक्टर ने देखा, वहाँ से मुझे 3 नंबर में भेजा गया। 3 नंबर में जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि आपको जो है कुछ टेस्ट कराना पड़ेगा, आपके लीवर का, किडनी का और आपके हार्ट का, कि ये जो प्रॉब्लम है। मैं बहुत डर गई, फिर ब्लड टेस्ट से मुझे बहुत डर लगता है,
और फिर लीवर थोड़ा सा मेरा फैटी है, ये तो मुझे बहुत पहले ही पता है। तो मैंने कहा कि सर ये ज़रूरी है कराना, तो फिर वहाँ से 17 नंबर गई कि कितना इसमें खर्चा लगेगा, थोड़ी ज़्यादा नहीं है, अंदर 2000 के अंदर आपका ये सारा टेस्ट हो जाएगा। फिर वहाँ से डॉक्टर के पास आए, क्या ये कराना ज़रूरी है? तो उन्होंने कहा कि इससे, मेरे हस्बैंड ने पूछा कि क्या ये जो है धड़कन लेने में परेशानी, बच्चे के किसी ऑर्गेन्स में दिक्कत है या इसको? तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनकी ये परेशानी है, ये अगर इनका सांस फूल रहा है तो दिखाना ज़रूरी है। फिर उन्होंने कहा मैं प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन आपको ये प्रॉब्लम कभी नॉर्मल में हुआ था? फिर मैंने बताया कि मुझे नॉर्मल में नहीं हुआ था, लेकिन हाँ मेरा जो बेटा हुआ था, पहला बेबी जो हुआ था, उसमें मुझे यही परेशानी, सेम परेशानी थी। उसमें तो मेरा लीवर भी फैटी नहीं था, और अभी मैं सोचती हूँ कि ये कम है परेशानी मुझे। मैं तो इस बार खा पी भी रही हूँ, उसके टाइम में मैं खाना पीना भी नहीं खाती थी, और सांस इस तरह से फूलता था कि मुझे लगता था कि अब ये मेरा आखिरी पल है। और वहाँ ससुराल में थी तो सास थी, अभी तो पता नहीं कहाँ चले गए हैं। चर्चा आ ही जाता है, चर्चा से तो आदमी दूर नहीं जा सकता, लगता ही नहीं है वो नहीं है, आ ही जाता है, माफ़ कीजिएगा डियर। तो मैं उनको बोलती थी कि अब मैं नहीं बचूँगी, माँ मुझे भगवान के आगे में लेके चलिए, मुझे भगवान जी के आगे में सुला दीजिए। पूरा समझाती थी बेटा ऐसे मत करो, क्या दें जिससे कि ठीक हो जाए? तो वो कभी दाल में नींबू देती थी, कभी ग्लूकोज पानी देती थी। तो उसके समय में मुझे ज़्यादा परेशानी थी। फिर मैंने डॉक्टर को कहा कि मुझे उसके समय में बहुत परेशानी थी, लेकिन इसी तरह ग्लूकोज से ठीक हो जाता था, और जब उसका जन्म हो गया फिर मैं पूरी तरह ठीक हो गई। फिर डॉक्टर ने कहा कि तब देखिए अगर आप बर्दाश्त कर सकती हैं। मैंने कहा ग्लूकोज जब मैं पीती हूँ तब मुझे थोड़ा ठीक महसूस होता है। फिर उन्होंने कहा डॉक्टर कि बिना ग्लूकोज पिए नहीं होता है कि मैं थोड़ा देर लेट जाऊँ तो मुझे राहत मिली। मैंने कहा नहीं, लेटने पर भी मुझे लगता है कोई मुझे कुछ लिक्विड दे दे जिससे कि मुझे राहत मिले, इस तरह का लगता है। और सच पूछिए तो बोले अगर आप बर्दाश्त ये कर सकती हैं तो करिए, किसी को देखभाल में रखिए, नहीं तो इतना सारा टेस्ट करा लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ इसमें कुछ कमी ही निकलेगा, लेकिन एक बार करा लीजिए। लेकिन चूंकि ये मुझसे जुड़ा हुआ टेस्ट है, बच्चे से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए मैंने बिल्कुल भी नहीं कराया। मुझे बिल्कुल इतना टेस्ट फिर वहाँ पर लगता समय, और मैं बच्चे को यहाँ अकेले छोड़ कर गेम देकर गई थी, क्योंकि तुरंत स्कूल से आया था, तुरंत फिर उसको लेके जाइए गर्मी में इतनी चिलचिलाती धूप। तो मैंने कहा मैं ये सब नहीं करवाऊंगी। लेकिन हाँ, डॉक्टर ने कहा अगर आपकी ये परेशानी अधिक बढ़ने लगे, जितना है उतना में अगर संभल जा रहा है तो ठीक है, अधिक बढ़ने लगे तो आप ये सब टेस्ट करवा लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, मैं करवा लूँगी। उसके बाद वहाँ से घर आई तो मैं तो सीधा लेट गई, रास्ते में गन्ने का जूस थोड़ा सा पिया। उसके बाद घर आई तो ये बोले नहीं आराम करो, क्योंकि डॉक्टर ने ये कहा कि आप आराम करिए। मैंने कहा मैं काम करती हूँ, करना भी चाहती हूँ, लेकिन कर नहीं पाती हूँ। बोले नहीं, आपको अभी भारी सामान नहीं उठाना है, झुकना नहीं है, और आप काम कैसे करिएगा जब आपका दम ही फूल रहा है? तो इसीलिए आराम करिए, ऐसा कुछ नहीं है कि नॉर्मल और सिजेरियन किससे क्या होता है, चूँकि अभी शरीर को जिस चीज़ की आवश्यकता है वो होना चाहिए, आराम करिए। मेरे हस्बैंड के सामने में कहा, वो नहीं भी कहती हैं तो ये समझते हैं इस चीज़ को। मैं आई थी सीधा बोले तुम बड़े लेट हो, इन्होंने मुझे डाब दिया पीने के लिए, डाब मैंने पिया, मैं लेटी रही। और ये आलू बॉयल करके मैं गई थी, आलू चढ़ा दिया था मैंने वो चूड़ा फ्राई करने का। उसके बाद ये आया, मैं थोड़ा सा लेटी, मम्मी से बात करने लगी फ़ोन पे, ये दाल चावल आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाते बनाते इनको 3 बज गया, बहुत दया आ रही थी। फिर ये नहा के आए तो लगता होगा कोई खाना निकाल के दे, मैंने बहुत हिम्मत करके मैं उठी। फिर मैंने सलाद काटी, पापड़ तला, सब कुछ, फिर इनको अच्छे से खाना दिया। ये भी खाना खा के सो गए, हम भी इस रूम में लेटे रहे टीवी वाले रूम में, बाबू भी सो गया। उसके बाद अभी 5 बज रहा है तो ये उठ के, मैंने सामान कल ही लिख दिया था राशन का मंथली जो है, तो ये अभी सामान लाने चले गए। फिर बाबू उठता तो उनको जाने नहीं देता, मैं भी जाऊँगा और साथ में जाता तो ये परेशान करता, तो वो सामान लाने चले गए हैं। और फिर मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, किचन भी उसी तरह से है, कितना भी वो काम करने आती है लेकिन किचन तो साफ़ सुथरा रखना है, किचन साफ़ करना पड़ेगा, फिर राशन का सामान आएगा। तो इस ब्लॉग को मैं पेंट करती हूँ डियर, आप लोग मेरे लिए कामना करिएगा, दुआ करिएगा कि सब कुछ ठीक हो, आप लोगों से फिर मैं पहले की तरह ही मिलूं। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, और बन रहिए इस चैनल के साथ। जो चैनल पर नए हैं, चैनल करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो करिएगा लाइक, और अपना कमेंट ज़रूर शेयर करिएगा, और अपना बहुत 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 ध्यान रखिएगा। बाय बाय डियर, बाय, आई लव यू ऑल।